Hi. मैं यही कहना चाहूँगी, आई थिंक OTT अब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है. आई थिंक जो OTT के स्टार्स हैं वो कहीं फिल्म स्टार्स से कम नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा ही हैं. एंड जो एक शोज़ आ रहे हैं बहुत ही मॉडर्न किस्म के, और बहुत ही जो लोग हैं बहुत ही यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं फ्रेश स्टोरीज़ लेकर, ऑफ बीट स्टोरीज़ लेकर. सो एंड आई थिंक एक एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल गया है. आई जस्ट सॉ महारानी 2, मैंने अभी देखा, बहुत ही पसंद आया मुझे. और काफ़ी शोज ऑफ कोर्स OTT में तो बहुत ही फॉलो करते हैं हम. दिल्ली क्राइम, फंटास्टिक शो, फंटास्टिक परफॉर्मेंसेस. अभी तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आई मीन वी आर ऑन OTT ऑल द टाइम, ऑल ऑफ अस. धमाका तो नहीं मालूम, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे मुझे OTT पे. आई एम करंटली शूटिंग फॉर अ शो, सो मैं चाहूँगी कि इसके प्रोड्यूसर्स ही अनाउंस करें. अप्लॉज एंटरटेनमेंट के साथ है, सो लेट्स होप इट टर्न्स आउट गुड. ऑडियंस मुझे एक अलग किरदार में देखेगी. मैं ये कह सकती हूँ सलवार कुर्ते नहीं है इसमें, साड़ियाँ नहीं है, एक्शन भी नहीं है, लेकिन एक रियल कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है. या या थैंक यू. कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद मिल रहे. मैं जूरी में थी तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, हम लोग सब साथ में हमने काफ़ी डिस्कशन किए. और जो जिसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, होपफुली वी हैव टेकन द राइट चॉइसेस, वी हैव मेड द राइट चॉइसेस. फिर बाकी सब तो ऑडियंस की मर्जी है. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा इज़ दैट आप इतने सारे अच्छे एक्टर्स को देखते हो, इतने अच्छे डायरेक्टर्स को देखते हो, सबको एक चांस मिल रहा है और वो बहुत अच्छी चीज़ है. सो अभी फाड़ू आएगा दे. ओके, अभी फाड़ू आएगा. अरे यार, ये बहुत मुश्किल होता है यहाँ. फाड़ू 2-3 महीने में आ जाएगा. और जो मेरी वेब सीरीज़ है सोनी लिव पर, और काफ़ी हम फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं. तरला आ रही है हुमा कुरैशी के साथ, और बस करो आंटी है जो हम सिड रॉय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला और स्टार वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टूडियोज़ के साथ. और काफ़ी लिख रहे काम तो चल रहा है. हाँ जी, पोस्ट प्रोडक्शन चालू है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, थैंक्स. Thank you.
Give me one sec, huh? Can I come back in once? Oh, 09, okay. Yeah. Thank you. Outfit ke baare mein? Acha. So I'm wearing Nivedita Sabu, of course, always styled by Devki, and excited because I'm host kar rahi hu. So jaldi jaldi red carpet khatam karke jaldi jaldi bhagna hai. OTT ने तो ऑफ कोर्स गेम चेंज कर दिया है कई लोगों के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए. तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. इट्स ग्रेट दैट वो सिर्फ हिंदी के नहीं बल्कि काफ़ी लैंग्वेजेस के यू नो जितने भी डिजर्विंग विनर्स हैं, नॉमिनीज हैं, उन सबको कंसिडर किया गया है. मलयालम, कन्नडा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, एवरीबडी. सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग दैट दे हैव डन एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम होस्टिंग इट. मेरी अदाओं से अरेस्ट करना चाहूँगी. नहीं, एक्चुअली या ऑफकोर्स शिक्षा मंडल में कॉप हूँ एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे शोज करूँगी. तो अगले साल आई थिंक OTT प्ले पे दिल थिंक आई एम ऑल्सो डिजर्विंग टू नॉमिनेट माई सेल्फ. बट या आई जस्ट वॉन्ट टू डू ग्रेट वर्क एंड शिक्षा मंडल आ रहा है 15 सितंबर को. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू. उम्मीद तो यही है. आई एम सो ग्रेटफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल नेहा कक्कर की आवाज़ है, रोहन प्रीत सिंह की आवाज़ है. तो वी जस्ट वॉन्टेड टू डू जस्टिस टू द वीडियो एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट्स क्रॉस 10 मिलियन व्यूज एंड ऑल द लव एंड ऑल द रील्स आर मेकिंग मी वेरी हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू. यार आई थिंक बहुत समय से होस्टिंग कर रहा हूँ पर आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती है. मुझे बहुत पसंद है स्टेज पे जाना, होस्ट करना, मज़े करना, और अच्छा ये लगता है जो मैं करता हूँ लोगों को वो पसंद आता है. तो बस कोशिश करता हूँ हर साल उसको और इम्प्रूव करता रहूँ और लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ. नहीं, मैं खुद बहुत देखता हूँ यार. आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म जो है, चाहे जितने भी हों, लोगों को बहुत पसंद है. आई थिंक जो कंटेंट वहाँ पे आ रहा है लोगों को वो बहुत पसंद है. और पहले सिर्फ होता था एक दो शोज़ की बात होती थी, आजकल हर तरह के शोज़ की, हर लैंग्वेज के शोज़ की बात होती है. सो आई थिंक यार ये दिन ब दिन क्रेज़ बढ़ रहा है. हाँ, मैं भी OTT पे डेब्यू करने वाला हूँ. तो फिलहाल उसी की वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है. ज़्यादा नहीं बता सकता. रितम श्रीवास्तव जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं. जी सीम्स प्रोडक्शन हाउस है, जियो है, यू नो जियो स्टूडियो जो है, आई थिंक वो बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, पूरा उन्हीं का है. तो आई थिंक एक थ्रिलर है, ड्रामा है एंड लोगों को एक अलग रूप में देखने को मिलेगा. देखिए, मैं एक तो नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ये लिस्ट बहुत लंबी है. आजकल लोगों के OTT प्लेटफॉर्म फेवरेट नहीं होते, OTT पे आया कॉन्टेंट फेवरेट होता है. देखिए, मैं अभी दिल्ली क्राइम्स 2 देख रहा था और एक एपिसोड बचा है, लेकिन माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज हैं, माइंड ब्लोइंग स्टोरी है, कितने अच्छे से डायरेक्ट किया गया है, एक एक किरदार कमाल का. थैंक यू सो मच यार. थैंक्स लॉट. किस्त में झलक में किसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लग रहा है? आई थिंक करण सर का. आई थिंक उनका परफॉर्मेंस बेस्ट है. माधुरी जी का परफॉर्मेंस बहुत कातिलाना रहता है हमेशा, और थोड़ा थोड़ा मैं भी ठीक ठाक कर रहा हूँ. 12 घंटे
देखिए किसी देखिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारे ही मेरे दोस्त हैं और ये एक प्रतियोगिता है, तो मैं किसी की तरफ पार्शियल या बायस नहीं होना चाहूँगा, बट आई थिंक इतना कह सकता हूँ सारे नॉन डांसर्स हैं, ट्रेन डांसर नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर खुशी की बात यह है लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के कि झलक एक बार फिर वापस आ चुका है और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बस वही है एंटरटेन करते रहे आगे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. That is not... Thank you. I mean, it's just been wonderful, right? इतनी सारी कहानियाँ हैं सुनने के लिए, इतनी सारी कहानियाँ हैं जो लोग कहना चाहते हैं और जिससे देखने के लिए एक ऑडियंस हमने क्रिएट की है. We've got like people who are now loyal fans of characters and not just like actors that you see. Like hum log hamare character se pehchane ja rahe hain. Aur this used to only happen like in the movies back in the day, you know, when you had Amitabh Bachchan known as the angry young man. Now there's like koi mere ko kubra bulata hi nahi hai yaar, sab kukku kukku hi bulate hain. To फिलहाल तो मैं लाइक एवरी वन एल्स आई एम वॉचिंग हाउस ऑफ ड्रैगन्स एंड आई एम रियली एंजॉइंग शी हल्क. और हमारे शोज में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रीमेक ऑफ फौदा तनाव. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बहुत ज़्यादा भाई, OTTs ने तो एक बहुत बड़ी दुनिया खोल दी है परफॉर्मर्स के लिए, टैलेंट के लिए, तो एक्साइटमेंट तो है ही है. और OTT ने बहुत कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है और अच्छे कंटेंट के लिए रास्ता खोल दिया है, तो बहुत अच्छा है.
भाई मुझे लगता है जो सही टैलेंट है उसको उसको उसका मकाम मिलना चाहिए, और वो ओटीटी पे हो, ओटीटी पे ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पर कि सिर्फ एक किरदार पर निर्भर नहीं होता है मामला, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, उन सब पे फोकस किया जाता है और सारे खेल के आते हैं। मेरी कुछ फिल्में हैं, गणपत है, कैप्सूल गिल है, सक्सेना मुझे सक्सेना है, फिर एक अमेज़ॉन पे शो है बाबा ब्लैक शीप है, और गुल्लक सीजन 4 अभी तैयारी होगी उसकी। थैंक यू। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मालूम है क्योंकि मैं ज्यूरी पर हूँ और एज अ ज्यूरी अच्छा लग रहा है बिकॉज ओटीटी अवार्ड्स, ओटीटी हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा हो गया आजकल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एंटरटेनमेंट हमारा ओटीटी पर है, तो और इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, इतने डायरेक्टर्स, इतने मेकर्स हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, तो उन्हें जज करना, उन्हें देखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आई थिंक आई हैड अ वेरी फैब ज्यूरी विद मी और प्लस पॉपुलर अवार्ड्स भी साथ में हैं। So yes, looking forward to see who actually won. देखिए ज्यूरी के अपनी जजमेंट है, फिर पॉपुलर अवार्ड्स होंगे साथ में। सो मेरे साथ आनंद सर थे, आनंद राय थे, अश्विनी तिवारी थी और आदिल हुसैन थे, और जो हमें सही लगा वो हमने किया, और बाकी ऑफ कोर्स पॉपुलर के साथ में मैच करके जो होगा। मैं क्या देख रही हूँ, मैं खूब सारी फिल्म, मैंने दिल्ली क्राइम देखा, फिर मैंने महारानी 2 देखा, फिर अभी वो कौन सी फिल्म आई है अब, या आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ इट। अब आप मुझे जल्दी एक शो में अमेज़ॉन पे देखेंगे, और बहुत सारी फिल्में ज़्यादा कर रही हूँ, शो कम कर रही हूँ। थैंक यू।
the excitement there in OTT itself. Because I am an actor who started working in black and white films since 45 years. Now, after Yehi Hotel mein, I have worked as a Quiggan Murugan. Now it's very happy. Duniya mein bahut changes ho raha hai. In that, one thing is OTT. The films have come home. Films have come ghar ko aage. So now cinema is at home. So for that, the OTT platform is the one of the greatest platform for any actor or producer or director. So my young director Pawan has made me to work in OTT platform, where my producer was Sushmita, who is a daughter of Chiranjeevi, and we were very successful by first film itself. So I think this platform is going to be great in the world itself, right? Bharat mein bhi yahi ho raha hai, and I wish OTT platform will give so much great opportunities to all the actors, all the people. But one thing what we believed is the content in the subject. So always the content is the main in OTT platform. So I thank one and all for this kind of OTT meeting we are meeting in Indian level. I feel my director will say something. It's a pretty interesting platform where actually now OTT has taken over most of the cinema world and everything. So it's really a great opportunity, and it's actually a great inspiring thing for a lot of young filmmakers when they're categorized into awards and given to them. So it really feels very nice, and it'll inspire to make even more better content. So always content is the king, and so I'd like to thank OTT Play for nominating us today as one of the best films all over India. And yeah, I'm excited to see whoever wins. OTT तो आजकल लाइफ बन गई है सबके लिए, पर्सनलाइज व्यूइंग है. आई थिंक ऑल ऑफ अस आर, हम लोग को चैलेंजेस मिल रहे हैं कि नए नए किरदार लेके आए, नए नए कहानियाँ लेके आए जो हम कर रहे हैं. मिर्ज़ापुर से मुझे ने रॉबिन किया तो सबको पसंद आया, ये भी ठीक है, एक अलग ही लेवल में चला गया. मैंने एक्सट्रैक्शन किया तो वो एक अलग लेवल में चला गया. यूनिवर्सली आई थिंक हम लोग ग्लोबल जो कॉन्टेंट देख रहे हैं उससे आजकल सब लोग को बहुत पसंद आ रहा है. अलग अलग तरीके के शोज़ बना रहे हैं, तरीके की कहानियाँ बन रही हैं, बट वो मज़ेदार है आजकल. आजकल आई थिंक राइटर्स से लेके फिल्म मेकर्स लेके हम लोग सबको, एक्टर्स को ये मज़ा आ रहा है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, और वो हमें OTT प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसके लिए मैं, मुझे लगता है कि आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल. और सीज़न 3 मिर्ज़ापुर चल रहा है अभी, लखनऊ में ही अभी अभी मैं बस ख़त्म करके आया पिछले हफ्ते, एंड आई थिंक सबके सब बस वेट कर रहे हैं. सब लोग जब भी मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि रॉबिन भैया अभी अगले उसमें क्या होगा, बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग तरह तरह के शॉकिंग और सरप्राइजेज तो लेके आ रहे हैं. बट जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अगले साल आएगा तब देखेंगे कि क्या भौकाल मचता है हमारे मिर्ज़ापुर में. थैंक यू. जी देखिए क्या है, अभी मिर्ज़ापुर में गोलियां तो चलती रहती हैं, लोग तो मरते रहते हैं. दिव्येंदु हमारे सबसे बड़े फेवरेट कैरेक्टर हैं. मतलब अब देखते हैं आगे क्या होता है, मेरे को बताना है अलाउड नहीं है, बट आई गेस कहानी, हम लोग जो नए नए किरदार आए, रॉबिन मैं आया, त्यागी विजय वर्मा आए, तो हम आगे बढ़ा रहे कहानी, सबके सब आगे कहानी तो बढ़ ही रही.
तो सरप्राइजेस शॉक्स हैं बहुत हैं अभी सीजन 3 में, तो और भी ज़्यादा है। थैंक यू। तो मैं टेस्टिंग पूरी की पूरी दुनिया जो है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अगर अगर मेरा डायलॉग ना आए तो ओटीटी फेल हो जाए। सबसे ज़्यादा हरामी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे हरामी बना दिया। हाँ क्या बात है यार, खड़े होकर पूछना, क्या पूछ रहा है इधर। First expectation is to just celebrate because a lot of good work has happened on the OTT front, and I love all OTT awards because such good content gets appreciated. All the newer actors jo pehle shayad itne nahi jo log inko jante the ab wo sab ubhar kar aa rahe hain samne, and that itself and this tarah ka content abhi OTT pe dekhne ko mil raha hai bahut interesting hai. So I'm just waiting to see who all take the trophy home. आजकल आई सॉ घर वापसी ऑन हॉटस्टार विच आई रियली लाइक, क्रिमिनल जस्टिस 3 ऑन हॉटस्टार आई रियली लाइक, डार्लिंग्स जो मूवी आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, डेली क्राइम इज ब्यूटिफुल, दिस इज इन द रीसेंट टाइम्स। आई एम श्योर अभी आज हम शायद पुराने शोज को अप्रिशिएट करेंगे। गुड लक वॉज वन ऑफ देम, दैट वॉज रियली नाइस। सो लेट्स सी। सॉरी, सुल्तान ऑफ दिल्ली करके एक वेब सीरीज़ है विच इज़ डायरेक्टेड बाय मिलन लुथरिया, वो हॉटस्टार पे देखेंगे आप। देयर इज़ अ फिल्म जहाँ मैं साइको किलर का रोल निभा रही हूँ, वो आएगी कहीं किसी OTT पे, आई एम नॉट श्योर विच वन येट। देन देर इज़ अ फिल्म कॉल बर्लिन विच विल कम आउट सून, आई थिंक नेक्स्ट ईयर। असुर इज़ गोइंग टू कम आउट, असुर सीजन 2, जो वी आर होपिंग दैट इट बी आउट इन अक्टूबर नवम्बर। थैंक यू।
It's a special dress I got from Dubai, and I have liked this color combination, and now it's a fashion, so I purchased this from Dubai. क्या लें? नहीं, बहुत एक्साइटिंग है ये शाम भी, एक्साइटिंग है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओटीटी की वजह से हमें मौका मिल रहा है कुछ ऐसे किरदारों को आगे लाने का, कुछ ऐसी कहानियों को आगे लाने का जिसे पहले मौका नहीं मिलता था हमें. तो मुझे लगता है एज एन एक्टर आई एम वेरी एक्साइटेड, एज अ स्टोरी टेलर आई एम वेरी एक्साइटेड, एज अ प्रोड्यूसर आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इस तरह का मौका मुझे लगता है कि मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इस तरह का मौका मुझे लगता है कि कभी पहले मिला नहीं है इस तरह की कहानियाँ बोलने का. अलग अलग शोज हैं, ऐसा कुछ इस वक्त मैं देख रहा हूँ, जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसका जो प्रीक्वल है वो देख रहा हूँ इस वक्त, और सक्सेशन भी देख रहा हूँ, और कुछ हिंदी शोज़ भी देख रहा हूँ. तो अलग अलग शोज़ हैं जो इस वक्त पसंद कर रहा हूँ. हाँ, बस वही इरादा है भैया. चलिए, थैंक यू सो मच. I'm really excited to participate in this OTT award. I'm from Tamil industry. I'm an actor from Tamil industry, and I also do movies in Malayalam. It's a really great honor, and I'm so much excited. Thank you. Good evening to all. पहले तो बहुत सारा नर्वस हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा हिंदी भी नहीं बोलते, मेरा दक्कनी है थोड़ा, हैदराबाद से ऐसा है. बोले तो अब क्या है, काफ़ी आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट टुनाइट, एंड दिस इज़ न्यू एज एन एक्सपीरियंस. बॉम्बे में आके ऐसा, मुंबई में आके ज़रा अवार्ड लेना बोले तो बड़ी बात है मेरे लिए. थैंक यू सो मच हिंदुस्तान टाइम्स एंड ओटीटी प्ले. थैंक यू. Thank you.
very excited since this is India's first Pan India OTT award show. Very excited to be here since this is one of the kind. So looking forward to tonight's event. Thank you so much. So this is my first red carpet. So my stylist was here. She designed this whole outfit and this look. So thank you so much. The credit goes to her. And what I'm watching currently, I'm watching this show called Mo on Netflix. M-O. It's called Mo. It's on Netflix. I'm watching that show. Thank you. Thank you so much. मुझे तो ये लगता है दैट यू नो एक्टर्स हैं हम लोग तो ऑफ कोर्स ये तो है ही कि हमें अपने काम से प्यार है लेकिन जब दूसरे लोग प्यार दें वैलिडेशन दें उनको हमारा काम अच्छा लगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगता है गर्व महसूस होता है अतरंगी एज अ फिल्म स्पेशली आई थिंक इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी मैं बोल चुकी हूँ पहले मैं फिर बोलूँगी कि 2020 में शायद मेरी ज़िंदगी में एक ही अच्छी चीज़ हुई थी जो है अतरंगी की शूट तो जी हाँ आज उम्मीद है कि मैं उसके लिए कुछ जीतने वाली हूँ एंड आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू आनंद जी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू धनुष आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अक्षय सर एंड द होल टीम एंड आई एम हियर टू सेलिब्रेट इट सो आई एम वेरी हैप्पी तो अभी जामतारा सीजन 2 आने वाली है आई एम वेटिंग फॉर दैट मैंने दिल्ली क्राइम सीजन 2 देखी आई एम अ ह्यूज शेफाली शाह मैम फैन ह्यूज तो एक्चुअली मैंने दिल धड़कने तो हाल ही में देखी थी फ्लाइट पर वापस ऑफ कोर्स आई हैड सीन इट बिफोर और फिर मैंने डार्लिंग्स देखी और मैंने जलसा देखी एंड आई वाज जस्ट लाइक यार हाउ कैन वन एक्टर जस्ट बी सो वर्सेटाइल आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शेफाली मैम सो आई थिंक दिल्ली क्राइम 2 एंड नाउ अवेटिंग जामतारा सीजन 2 वो तो नहीं पता मुझे लेकिन मुझे इतना पता है दैट आई रियली लव माई वर्क एंड चाहे वो थिएटर पर हो या चाहे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हो एज लॉन्ग एज आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट आई लव डूइंग एज लॉन्ग एज आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू एंटरटेन एंड पीपल इन्जॉय माई वर्क आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी मोस्ट क्वीन हूँ मैं थैंक यू या आपने मुझे कोऑर्डिनेट किया है मैं बताना चाहती हूँ पता है मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है जब मुझे लगने वाला है ना कि कोई मुझे फंसाने वाला है तो वो वाली फीलिंग आ रही है तो मैं बस इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है नहीं मैं मुझे नहीं बार बोलना इस बारे में मुझे बात ही नहीं करनी हाँ ओके थैंक यू
जी हेलो मैं बस खुश हूँ कि 2022 ये जो पूरा साल गया है भूल भुलैया की वजह से मेरा जिस तरीके का रिस्पांस ऑडियंस का मिला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। धमाका के साथ जब लास्ट ईयर आया था तो धमाका ने भी बहुत बड़ा धमाका किया था। मेरे लिए OTT डेब्यू था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में पहली फिल्म कर रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको इतना सराहा गया। और जिस तरीके से आज तक अर्जुन पाठक के फैंस और अर्जुन पाठक को इतना स्पेशल जगह फैंस ने रखा हुआ है अपने पास, आई एम जस्ट ग्लैड एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। उसके बारे में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आशिकी 3 के लिए, लेकिन उसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक धीरे धीरे आएगी। थैंक यू। जैसे मैं थर्सडे को रहती हूँ, बट येस ऑफ कोर्स अब एक अच्छी जो पिक्चर की है जिसका टाइटल है थर्सडे, सो ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ ह्यूज, जो भी आप करें एक सिग्निफिकेंस रह जाता है, सो आई एम होपिंग कि इसके बाद बाकी दिनों की भी सीक्वल मिल जाए हमें, तो बाकी दिन भी बहुत अच्छे हो जाए। आई थिंक जो सबसे अहम चीज़ हुई है OTT प्लेटफॉर्म से इज दैट एवरीबडी, no matter you know who they are, there's people have had the ability to break out of a box, to chahe wo storytelling ho, chahe wo script ho, chahe wo characterization ho, you know there is work for everyone, and as long as you're good, as long as you're dedicated, and I also feel like they say that Mumbai is the land of opportunity, I also think OTT is the land of opportunity. काफ़ी सारी देखी थी, आई वॉज आई मीन राइट नाउ आई रियली एंजॉयड वॉचिंग बॉलीवुड वाइव्स, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, अभी मैं गाड़ी में देख रही थी, सो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, एंड आई हैव बीन वॉचिंग अ होल बंच ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, पत्थर को कोहिनूर मान रहा है कोई अच्छी बात है सबको, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि 29 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, काफ़ी उतार चढ़ाव, इस काम अच्छा करने की नियत रही है हमेशा से। बाकी शब्द दर्शक देते हैं, पत्रकार बंधु देते हैं, और उसको स्वीकार भी करता हूँ। निधन हुआ है, हाँ।
कोहिनूर हिंदुस्तान की धरती से, भारत की धरती से बाहर गया है और सारे देशवासियों की तरह मैं भी चाहूँगा कि कोहिनूर भारत को फिर वापस आ जाए। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं फिल्में और सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मेरा काम है और मेरा जुनून भी है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंडियन प्रेडेटर करके है वो मैंने ख़त्म किया, उसका दूसरा सीज़न आया हुआ है। दिल्ली क्राइम देखी है, ये सारे अच्छे हैं। फैमिली मैन 3 के बारे में मुझसे अच्छा अमेज़ॉन ही बता सकता है कि वो कब होने वाला है। अभी तक हमें कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि वो कब शुरू करना चाहते हैं। मैं हमेशा HT ग्रुप और HT फैमिली का हिस्सा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं यहाँ आज सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ। एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय HT कि एक ऐसा अवार्ड फंक्शन, दे आर होल्डिंग एन अवार्ड फंक्शन जहाँ पर पैन इंडिया एक्टर्स, दे आर ब्रिंगिंग देम अंडर वन रूफ एंड दे आर अवार्डिंग देम। सो इट इज़ ग्रेट कि talent from different languages is being awarded, so I feel so good to be part of this celebration. Of course do jagah acha laga aapko, bas aapko acha laga na, khatam. Thank you. सर ये अभी जो बिजॉय सर की शूट चल रही है, इसके पहले उसके लिए लंबे बाल हैं और इससे पहले जो संजय गुप्ता सर की फिल्म कंप्लीट करी उसमें भी लंबे बाल हैं और बिजॉय सर का थोड़ा सा एक 18 दिन का शूट बाकी रहता है तो उसके लिए बाल लंबे ही होते जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया तो मैं छोटी बना ली। बहुत मुश्किल है, देख रहे हो क्या हालत है। हाँ आप अगर विश कर दोगे तो शायद जीवन में पहली बार कुछ अवार्ड मिल जाएगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कुछ तो, मुझे तो वैसे कोई बुलाते नहीं अवार्ड्स पे, कभी मैं नॉमिनेट भी नहीं, एक बार हुआ था सनम तेरी कसम के लिए, फिल्म फेयर नहीं किया, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल जब कोई याद रखता है, सो आई फील एज एन आर्टिस्ट यू फील गुड। मैं अभी तो एक्चुअली पिछले 4 महीने से मैं शूट ही कर रहा था तो मैं कुछ भी देख नहीं पाया। मैं सुना बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आई हैं उसकी, बट संजय गुप्ता सर की वो मिरांडा ब्रदर्स और फिर अभी दंगे शूट कर रहा था तो आई कुडंट सी एनी। बहुत टाइम के बाद आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।
आते आते वो साइड आते हैं ना, he'll come from there. Hello. Maharani. Modern Maharani. I think OTT awards है, so मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ी OTT हो जाती हूँ. So I love this pantsuit and मेरा, I don't know, I felt very Indian after wearing it, तो मैंने सोचा नथ भी पहन लेती हूँ. And I think it's a very interesting look that my stylist Nupur has put together, and the outfit is by Ranbir Mukherjee and jewels by Rubaiyu. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिंपली बिकॉज इतना अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है, दैट्स वी आर हैविंग दीज अवार्ड्स. एंड आई थिंक हमारी जो इंडस्ट्री में अभी हो रहा है ना, दिस इज़ द ट्रांजिशन फेज, दिस इज़ लिटरली द फेज ऑफ चेंज, जहाँ पे वो हम ट्रांजिशन से ऑलमोस्ट एक नए दौर पे आ चुके हैं. एंड दिस इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर दैट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड. थैंक यू. विच वे? बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जैसा कि देख रहे हैं आप सब, बहुत ही अच्छा टर्नआउट है. सो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे सारे अच्छे आर्टिस्ट, सारे अच्छे कलाकार गैदर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि OTT कितना बढ़ गया है, कितना आगे OTT का जो अब माध्यम है कितना आगे बढ़ गया है, देख के बहुत अच्छा लगता है. मेरा तो मेरा ही वाला यार, अभी तक जो मेरा ग्राइंड है वही सबसे अच्छा है, वो करना चाहती ग्राइंड में भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में, सिप करूँ वाइन तू तो इतनी हॉट है, समथिंग आई फॉरगॉट द लास्ट लिरिक. तो मेरा एक वेब शो आ रहा है विकास बहल जी के साथ जिसका नाम है द कैंसर बिच, जो सोनी लिव पे रिलीज़ होगा. उसके अलावा MX पे एक वेब शो आ रहा है, और अब ओरिजिनल म्यूज़िक मेरा जो मैंने गाया है वो रिलीज़ हो रहा है. तो पहला म्यूज़िक वीडियो इस मंथ एंड तक रिलीज़ होगा जिसका नाम है जुनून, और फिर हर महीने नए गाने ओरिजिनल सॉन्ग्स आएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तब तो फिल्म के अलावा कुछ था ही नहीं भैया. हाँ बहुत ज़बरदस्त बदलाव है, स्पेशली टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा हो गया. आज OTT जो है वो सिर्फ थिएटर में तो सिर्फ हिंदुस्तान में देखते हैं लोग, या कुछ पॉकेट्स में अब्रॉड रिलीज़ होती हैं, लेकिन OTT पे तो आप समझो कि पूरे संसार में रिलीज़ होती है. 110 कंट्रीज़ हैं, 120 कंट्रीज़ हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग वो हैं, तो मतलब कितनी वाइड रेंज हो गई है. और दूसरी याद कि फिल्म मेकर्स को आज़ादी है कुछ भी सब्जेक्ट पे बनाने की,
तो कितने नए सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो है वो ट्राई किए जाते हैं, नई नई चीज़ें जो सीरीज़ बन रही हैं या जो डायरेक्ट OTT फिल्म्स हैं। मैं तो खुद बना चुका हूँ लास्ट ईयर कागज़, यू नो, अब कागज़ जैसी पिक्चर कहाँ थिएटर में हो सकता है कि नहीं इतना वो है, लेकिन OTT पे जो उसका रीच हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है सर में। सो आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट चेंज एंड ग्रेट चेंज फॉर एवरीवन। नहीं, राइटर्स की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा तो नहीं है राइटर्स की कमी है, बल्कि अब तो राइटर्स ज़्यादा आ रहे हैं, कितने यंग राइटर्स एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि ये वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, कई बार बहुत अच्छी पिक्चरें बहुत ज़्यादा बनती हैं, कई बार बहुत ख़राब पिक्चरें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, तो कई बार ये दिस द फेज़, आई थिंक ये फेज़ निकल जाएगा 100%, लोग सीखेंगे और कुछ नया कॉन्टेंट बनाएंगे। लेकिन ये है कि अच्छी फिल्मों का और नए कॉन्टेंट का और जो पावरफुल कंटेंट है और थोड़ा स्टार सिस्टम जो थोड़ा सा ये हो रहा है कि आज कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार की पिक्चर देखने जाएंगे, आज कोई भी अच्छा एक्टर हो वो अच्छे किरदार में हो तो वो किरदार जो है वो फिल्म को लेके आगे जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। हाय जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली एक अवार्ड शो में बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कोविड के भी पहले से मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग मिलेंगे बड़े टाइम के बाद। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। जी जी जी, मैंने एक फाउंडेशन नाम के शो में एक गेस्ट अपीयरेंस करी है, वो उसका सीज़न 2 Apple TV पे आने वाला है। और एक शो अभी बस इंडिया में हमने फिल्म करना ख़त्म किया, और एक हैप्पी टीचर्स डे एक फिल्म है जो मैडॉक के साथ मैं करने वाली हूँ, तो उसकी शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। जी एक्चुअली जो मेरी फेवरेट, मेरे को स्कैम बहुत पसंद आया था, मैंने स्कैम बहुत पसंद किया था, और मैंने पाताल लोक एक्चुअली देखा नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। सो आई हैव हर्ड वेरी वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट, सो थैंक यू। थैंक यू। हेलो, यस प्लीज फिनिश ऑफ। No problem. Thank you very much. Yeah, I'm very excited. This is my first award on the national level, and I would like to thank the creators of the show, Siddharth Roy Kapoor, the producer, the creators Rohan, Charu Dattacharya, and of course my lovely co-actor Lavina Tandon, without whom this show wouldn't have been possible. Thank you very much. Thank you. बहुत एक्साइटेड हूँ।
वेरी वेरी बल्कि ये मेरी पहली ओटीटी प्लेटफॉर्म अवार्ड्स मैं अटेंड कर रही हूँ. नॉर्मली इट्स फिल्म अवार्ड्स, दिस इज फर्स्ट टाइम ओटीटी अवार्ड्स फॉर मी. अभी जो मैंने बताया है वो शो में बताया है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ. हाय, आई एम लाइक नीलम सेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम, सो इट्स गुड एंड इट्स सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. HT has done such a good job, so we're having fun. Thank you. Now come, you take some. आई डोंट नो कैसे देखती हूँ, लेकिन आई थिंक गॉड इज़ बीन काइंड दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स इट्स ऑल गुड. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम एंड OTT इज समथिंग जिसने एक काफ़ी हमारे एक्टर्स को एक नया लाइफ दिया है, एक नया रूप दिया है. हमारे फिल्म मेकर्स भी जो शायद हम स्क्रीन पे एक फिल्म के तौर पे नहीं दिखा पाते, हम OTT पे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी दिखा पाते हैं और उसके लिए एक नीश ऑडियंस भी है. सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, इवन आर इंडस्ट्री. थैंक यू गाइस. Ma'am, this way. Now, go back there. Come on.
Yes, bro. एक सेकेंड. Yes, so मैं पहना हूँ निवेदिता साहू एंड इज बींग स्टाइल बाई पीयू मिश्रा. अच्छा लगा आपको तो थैंक यू. काइंड ऑफ कलर सिमिलर जोन में हमारे. क्या कुछ देख रहा हूँ मैं अभी, क्या देख रहा हूँ अभी, लास्ट मैं कुछ अमेज़ॉन का शो देख रहा था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ. वाओ, निको मिको कोई तो एक मूवी देखी है मैंने, और एक कोई OTT पे शो देखा जिसका मैं नाम नहीं याद आ रहा, बट ये अमेज़ॉन वो था. बट महारानी मैं एक्चुअली 1 ख़त्म कर रहा हूँ. या हाँ, इसे ख़त्म तो करूँ ना पहले. यस हाँ बिल्कुल. सबसे पहले तो उस प्यार को मैं बहुत अच्छे तरीके से समेट रहा हूँ, बस बटोर रहा हूँ. एंड या विल डेफिनेटली विल गेट अ चांस टू सी मी इन सम OTT प्लेटफॉर्म. ओके ब्रो, ये स्टार है. अरे मेकर है ये. क्या हाल है? तुझसे मुलाकात होती रहती है, अच्छा लगता है. सर, बात आपकी बढ़ती जा रही है, इस तरह से OTT का मांग बढ़ती जा रही है, इस तरह से यार अच्छा लगता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. बिकॉज ऑफ OTT की वजह से इतने सारे नए शोध बन रहे, इतना नया टैलेंट आ रहा है, और मुझे इतनी खुशी है कि जितने भी OTT के एक्टर हमने ढूंढे वो आज इतना बड़ा नाम हो गया है, वो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, उनकी वजह से OTT के शोध भी नहीं बनते, तो अच्छा लगता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छा मौका है कि नए और टैलेंट को ला सकता हूँ, नया मौका मिल रहा है. दिन भर लगभग लगातार टचवुड बहुत सारे फ़ोन आते हैं हर डायरेक्टर के, हर बड़ा डायरेक्टर, हर बड़ा प्रोड्यूसर, हर चैनल के, हर बड़े प्लेटफॉर्म के, सबके फ़ोन आते हैं. अच्छा लगता है, टचवुड ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे लाइफ में भाई, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे, यही होना चाहिए. यार मैंने अभी रिसेंटली अपने ही शो जो देखे वो दिल्ली क्राइम देखा, महारानी देखा, और मेरा फेवरेट तो ऑफकोर्स फैमिली मैन 1-2. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब मेरे ही शो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वो जनरली बहुत अच्छे लगे शो, और कास्टिंग भी अच्छे लगे मुझे. मुझे भी एक्टिंग करना चाहिए. हाँ मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं जिस काम के लिए बना हूँ मुझे वही काम करना चाहिए, और जो मैं डिज़र्व करता हूँ मैं कास्टिंग ही डिज़र्व करता हूँ, और मैं पिक्चर बनाना डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे वही काम करना है, मैं बहुत खुश हूँ. झलकियाँ मैं कैमियो इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है. मैंने गैंग्स ऑफ वसीपुर हो या लव शो, वो बहुत सारी फिल्मों में ऐसे कैमियो किए हैं, बिकॉज मुझे लगता है डायरेक्टर मुझे बोलते हैं कि लक्की चार्म है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे लिए ब्रेक हो जाता है एक छोटा सा रोल करने में. लेकिन मेरा जो मेन काम है वो दूसरों को और मौका देने का, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और लोगों को और मौका दूँ.
हाँ वो लोग मेरे बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है कि मैं करण को और दिन दोनों को अच्छे तेजस्वी को बहुत अच्छी फिल्म में कास्ट करूँ, मेरी बातचीत हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उन लोगों को पब्लिक बहुत पसंद करती है और ये सही वक्त है कि उन लोगों को अभी फिल्म में आना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी से जल्दी उन दोनों को फिल्म में लाया जाए। थैंक यू। सारा जी भाई Hindustan Times OTT Play Awards for giving me the best actor award for Saapatta Parambare. It means a lot to me. It's been a huge encouragement. It's been wonderful to meet all the talents from the south as well as from the north. I mean throughout the India. I've enjoyed watching all the films and series on OTT, but finally to get to see them in person and to interact with them and to see them in faces, it was wonderful. Thanks, Hindustan Times, for providing this platform and a wonderful evening. Thank you so much. नॉमिनेट हुई थी तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा हसीन जोन में जाते हैं। ओहो सुंदर से भी ऊपर, वाह वाह वाह, ऊपर ही पहुंचा दो तुम मुझे अरुण। हाँ यार हसीन दिलरुबा के लिए तो बहुत बड़ा बूंद था क्योंकि जिस टाइम हमें फिल्म रिलीज करनी थी उस टाइम में थिएटर्स ओपन नहीं थे एंड फिल्म रेडी थी, तो अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद हम ये ढंग से उस टाइम ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते। तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू नेटफ्लिक्स टू टेक अप हसीन दिलरुबा और उन्होंने जिस तरीके से रिलीज़ करी है, मुझे एक सेकंड के लिए फील नहीं हुआ ये पिक्चर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं थी, क्योंकि जितना इमीडिएट रिस्पॉन्स प्यार अटेंशन इस फिल्म को मिला था इट वॉज लाइक इट फेल्ट लाइक वन ऑफ माई बिगेस्ट रिलीजेज एक्चुअली जब ये रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर। मैंने ना अभी ख़त्म करी है एक सीरीज़ जिसका नाम है क्लियो, वो एक जर्मन सीरीज़ है 8 एपिसोड की नेटफ्लिक्स पे, मैंने वो अभी ख़त्म करी है तो लेटेस्ट मैंने वही देखी। यार वो अभी तो मुझे नहीं पता है, कोई डील हुई नहीं है, बट हाँ काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, अभी कोई भी डील लॉक नहीं हुई है कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये OTT पे आएगी कि नहीं आएगी। थैंक यू।
यार अभी क्या आना चाहिए, वो तो पहले ही आ जाना चाहिए था, अभी तक अभी का क्या बात है, मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि उनके उनके देहांत होने का वेट कर रहे थे, पहले ही आ जाना चाहिए था, अभी क्यों आना चाहिए आप? हाँ मतलब हमारी अरे हमारी प्रॉपर्टी थी ना इंडिया की, तो आ जाना चाहिए था पहले ही, अभी तक क्यों वेट कर रहे थे? मुझे कोई, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैं जब तक मुझे किसी न्यूज़ आइटम के बारे में डिटेल में हर पक्ष से आइडिया नहीं होता, मैं नहीं बात करती। कौन सी फिल्म के खिलाफ नहीं चलाया गया, कौन सी फिल्म के साथ नहीं चलाया गया? तो आप, मैं आपको, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सवाल का दे दूंगी, आप बताइए कौन सी फिल्म के लिए नहीं चलाया गया? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं पहली बात तो आप? क्रिटिक्स क्रिटिक्स लोगों ने कैंपेन चलाया नेगेटिव, क्रिटिक्स लोगों ने, एक बारी जाके ना, एक बारी थोड़ा सा होमवर्क कर लेना भाई क्वेश्चन पूछने से पहले, एक बारी जाके ना, एक बारी जाके जरा क्रिटिक्स का रिव्यू, चिल्लाओ मत भाई, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज़ नहीं है, चिल्लाओ मत भाई, मेरी बात सुन लो। अच्छा पहले ये नहीं, ये जवाब दे रहे हैं, हाँ जी बताइए। कई लोग ने कि क्रिटिक्स ने, आपने दो चीज़ें बोली, क्रिटिक कहा जाता है उनको, कौन कहते हैं, कौन कहे, कई लोग, सर थोड़ी रिसर्च करके आना मुझसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज। एनीवन एल्स? सर आप होमवर्क करके आइए मुझसे क्वेश्चन पूछने से, सर तो होनी पहले पर तो जेंडर ठीक कीजिए, उसके बाद बात करिए, ठीक है? हम बहुत ही खुश हैं, द होल टीम ऑफ अरण्यक वर्क वेरी वेरी हार्ड थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, इतने कोविड के प्रोटोकॉल्स थे वगैरह वगैरह, हम इतने जगहों में शूट कर रहे थे, सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर दैट वी वर एबल टू रिसीव दिस अवार्ड। बेस्ट स्टोरी, बेस्ट एक्ट्रेस एंड एक और है जी, नहीं तो हम बहुत ही खुश हैं, द होल टीम ऑफ अरण्यक, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेट्स टू नेटफ्लिक्स, कंग्रेट्स टू रोहन, चारू, विनय एंड एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस अचीव दिस, थैंक यू। हम बहुत ही खुश हैं, द होल टीम ऑफ अरण्यक वर्क वेरी वेरी हार्ड थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, इतने कोविड के प्रोटोकॉल्स थे वगैरह वगैरह, हम इतने जगहों में शूट कर रहे थे, सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर दैट वी वर एबल टू रिसीव दिस अवार्ड। बेस्ट स्टोरी, बेस्ट एक्ट्रेस एंड एक और है
जी नहीं तो हम बहुत ही खुश हैं, द होल टीम ऑफ अनन्या, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेट्स टू नेटफ्लिक्स, कंग्रेट्स टू रोहन, चारू, विनय एंड एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस अचीव दिस. थैंक यू. थैंक यू. ये एक्चुअली एक वेस्टर्न स्टाइल साड़ी है. इट इज स्टिल अ साड़ी एक्चुअली, बट या मुझे बड़ा मजा आ रहा है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से आपका जलसा बढ़ते जा रहा है, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ करना चाहेंगे आपका? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जलसा के लिए पहला अवार्ड है इंशाल्लाह मेरा, और ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास फिल्म है क्योंकि ये मेरी सुरेश त्रिवेणी के साथ दूसरी फिल्म है, और पिछली वाली फिल्म इससे बिल्कुल अलग थी, पर इसमें शेफाली शाह के साथ भी काम करने का मौका मिला, और सूर्या जिसने मेरे बेटे का रोल किया, और रोहिणी हतंगड़ी, अमेजिंग कास्ट, और मुझे लगता है इतना प्यार मिला है. लोग कह रहे थे कि यू नो उनका दिल धक धक कर रहा था जब वो फिल्म देख रहे थे और यही रिस्पॉन्स हम चाहते थे, तो इतना प्यार मिला है, आज अवार्ड भी मिल गया, सोने पे सुहागा. इंशाल्लाह सुन. फिलहाल मैं कोई सीरीज नहीं देख रही. हाँ एक्चुअली मैंने हाल ही में सॉरी दिल्ली क्राइम देखी, दिल्ली क्राइम सीजन 2, बहुत अच्छी लगी मुझे. हाँ नहीं मैं तो चाहती हूँ, हाँ यू नो गॉड्स ग्रेस की मेरी फिल्में प्रॉफिट्स बनाती हैं पर मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्मों को भी बड़े बजट्स मिले, इससे भी ज़्यादा मिले. इंशाल्लाह आगे मिलेंगे. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत खुश हूँ. अरण्यक उनकी पहली सीरीज थी और उसको इतना प्यार मिला है, तो ग्रेट. रॉय कपूर फिल्म्स की, अच्छा मेरी फिल्म अब पता नहीं रेडी है, दो फिल्में रेडी हैं, जल्दी रिलीज होगी. हाँ पर वो तैयार होने में थोड़ा रेडी है, मतलब शूट हो गया है पर पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है. थैंक यू. थैंक यू. Also, so he can contribute in between, because normally what happens is in every award language specific awards are given, but we never consider, except national award, we never consider the whole industry and give one award. So that's a great thing OTT Play is doing, because bringing all of India and Indian cinema and awarding them together is such a great deed. I'm so glad that I'm here. I'm so glad that I'll be able to meet many of the artists and technicians. Which one is your favorite OTT movie? Most of the platforms. Yeah. Most of the platforms. Adala, OTT favorite movie? Movie? Sarapatta Parambare? Yeah. Sarapatta Parambare and in Hindi. Okay. series head about it, right? Yeah, series head about it. I think we'll go for series, Mirzapur or Family Man, Sacred Games, Nawazuddin Siddiqui. Yeah.
Yeah, if he gives the chance, yeah, why not? Definitely, yes, but it is not about whom you can find, but it is about how much of your script needs the artist and what value would the script give to them and them, I mean, what they will bring to the script. If that happens, I'd be very glad. Thank you so much. Thank you. एक्साइटेड हूँ यार. OTT अवार्ड्स हैं, अच्छा है. OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा कंटेंट बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए ये अवार्ड्स रखे जाते हैं, रखे जाने चाहिए. और जब ऐसे अवार्ड्स होते हैं खुशी होती है. मैंने भी कुछ किया है OTT पे. योर ऑनर के दो सीज़न आ चुके हैं. एक फिल्म भी की थी मैंने हॉटस्टार के लिए. तो बहुत अच्छा है OTT प्लेटफॉर्म इस समय, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा कर रहा है. और हमारी भी कुछ और चीज़ें OTT पे आने वाली हैं, जब आएंगी तो उनके बारे में बात करेंगे. थैंक यू. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि OTT मुझे लगता है मेरा घर है. दिस इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न. तो आई एम हियर टू चीयर लीड फॉर एवरी वन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इनसाइड. मैं एक्चुअली पुराने शोज बिंज वॉच कर रही थी और मुझे पुष्पावली बहुत पसंद है, सुमुखी सुरेश का. फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी अगर कुछ देखने मिले तो. Yeah.
कहना चाहूँगी कि ये OTT बढ़ता जा रहा है और हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत काम बढ़ गया है और आप हम लोगों को ज़्यादा OTT पे देखोगे, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट. थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि OTT इज़ द यू नो न्यू थिंग नाउ. जो हमारी बॉक्स ऑफिस नहीं कर पा रही है वो OTT कर रही है एंड आई थिंक OTT बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइव्स इन दिस टू इयर्स जब लॉकडाउन हुए थे एंड इट्स लाइक यू नो अ रेवोल्यूशन बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्टेंट जो OTT पे होता है काफ़ी मज़ेदार है. बहुत सारे हैं एक्चुअली यू नो. एस्केप लाइव करके एक शो है वो, उसका कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फिर एक JL80 था वो, अभय देओल, आई रियली लाइक दैट. रिसेंटली मैंने रंगबाज देखा, वो भी काफ़ी पावरफुल था. सो आई इट्स लाइक अ वैरायटी ऑफ कंटेंट, यू नो, यू कैन जस्ट चूज व्हाटएवर यू वांट. मैं तो खुद अपने आप को OTT पे देखना चाहती हूँ, बट शायद OTT वाले मुझे नहीं समझते कि मैं यू नो. सो यस, जब कुछ अच्छा यू नो पोटेंशियल रोल आएगा मेरी मेरी तरह, तो मैं ज़रूर करूँगी बिकॉज आई एम डन प्लेइंग लाइक जस्ट अ प्रिटी फेस एंड ऑल दैट, वो तो अभी सबने देख लिया है. सो कुछ ऐसे पावरफुल सा रोल अगर मुझे ऑफर हुआ तो फिर मैं वो ज़रूर करूँगी. थैंक यू. प्रॉब्लम, आई एम हैविंग फन. वेल, इसके बारे में तो मैं अभी यही कह सकती हूँ कि अभी season 2 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अभी और क्या है, बहुत कुछ बाकी है. तो उस जादू के बारे में या उस मिस्ट्री के बारे में अभी ना कहा जाए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है. यू शुड सी दैट फॉर योरसेल्फ व्हेन द सेकंड सीजन ऑल्सो रिलीजेस. सॉरी, ओके, सो डू वांट मी टू लुक देयर एंड टॉक. ओके. सो विदाउट बीइंग अनबायस्ड, आई लाइक रियली रियली मीन इट, ये काली काली आंखें ऑन नेटफ्लिक्स इज माय फेवरेट. आई एम एक्चुअली सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट इट हैज डन टू मी एंड डन फॉर द शो.
थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, थैंक्स टू सिद्धार्थ सेन गुप्ता सर एंड द इंटायर कास्ट एंड क्रू, दे रियली वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर इट. उसके अलावा आई रिसेंटली वॉच, मैंने बहुत देर के बाद देखा, पर आई रिसेंटली वॉच क्रिमिनल जस्टिस, आई लव्ड इट. एंड देयर इज आल्सो दिस अमेजिंग हिडन जेम स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सो वो मुझे बहुत मज़ा आया देख के. उसके अलावा बहुत है एक्चुअली, ओके आई कैन नॉट फॉरगेट डेली क्राइम, शिफाली शाह, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू. हेलो हाय, आई एम ज्ञानेश्वरी. सो या, so sorry, how excited I am. So super excited because Senapati has been nominated and that's the only film from Telugu, so I'm like super excited about it. Yeah, my favorite is Delhi Crime and Mashaba Mashaba too. And she has been like Delhi Crime, Mashaba, these have been like, of course I have watched all sort of ones, even the recent one that has been released, Bollywood Wives, even I watched that as well. Yeah. yeah, thank you. Bites. Hello. Hi. Ma'am has come. So, main sunungi ek ek question. I'm very excited because OTT awards होते नहीं हैं, ज़्यादातर film awards होते हैं और OTT को थोड़ा एक segment मिल जाता है, but I'm very excited because it's a very big deal for me, especially because of Masaba Masaba and Modern Love. मुझे Delhi Crime बहुत पसंद है, मुझे शिफाली शाह का काम बहुत पसंद है, रसिका दुगल का काम बहुत पसंद है. Thank you. बबली बाउंसर का ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है. जब से चार दिन पहले ट्रेलर जो आया है उसके बाद जो ट्रेलर का जलवा बड़ा अच्छा हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया है बबली बाउंसर के ट्रेलर को. काफ़ी लोगों की उत्सुकता है पिक्चर देखने के लिए. मैं बहुत खुश हूँ, 23 को सितंबर को ये डिज्नी हॉटस्टार प्लस पे आएगी, तो वेरी हैप्पी. एंड बस भगवान करे लोगों को ऐसी पसंद आए, पिक्चर बड़ी अच्छी है, कॉमेडी लाइट हार्टेड है और पहली बार एक ऐसा वर्ल्ड को दिखा रहा है, बाउंसर के वर्ल्ड को पहली बार दिखाया. ये अच्छी बात है. नहीं देखिए, वो तो ऐसा है कि देखो ट्रेलर अच्छी लगी उन्होंने बोला और मुझे इस बात की खुशी कि उन्होंने सराहा रणवीर को. मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा ट्रेलर. और बस एक एक हम लोग CM सर के गणपति बापा के यहाँ पे गए थे और वहाँ मिले वो, तो उन्होंने प्रशंसा की पिक्चर की और ट्रेलर की प्रशंसा की और उन्होंने फिर वीडियो बाइट हमने किया रिकॉर्ड ऐसे ही मस्ती मस्ती में. और बहुत अच्छा, मुझे खुशी इस बात की है, बहुत वायरल हुआ है, लोगों ने बहुत उसको देखा है. हंड्रेड % मैं देख रहा हूँ, मेरा बातचीत भी ऑलरेडी चालू है 3-4 लोग के साथ. कुछ अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो मैं पक्का करूँगा. पर क्या अभी अगली बार से ऐसे आऊँगा बबली बाउंसर, ठीक है. एक्साइटेड यार, एवरी अवार्ड वन इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज इतना मेहनत करते हैं तो उसके बाद इफ यू नो यू गेट नॉमिनेटेड और यू विन एन अवार्ड, इट्स वेरी एक्साइटिंग. कंटेंट इज द किंग फॉर OTT एंड अदरवाइज ऑल्सो, फॉर ऑल मूवीज कॉन्टेंट इज हैज़ टू बी द किंग. नहीं मैं कहूँगी कि अब तो इनफैक्ट
सब बहुत सारा काम कर रहे हैं, राइटर्स की कमी नहीं है, सब बहुत सारा काम कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, आप पहले बात कर लीजिए फिल्म. वो बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं आपसे कोई. ख़त्म कर लीजिए. हाँ, थैंक यू, थैंक यू. नमस्कार, कैसे हो? प्रेशर आ गया पीछे से. अच्छे सवाल पूछ. बहुत एक्साइटेड हूँ. सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स और ओटीटी प्ले की तरफ से पहली बार एक ऐसा कॉन्क्लेव और ऐसे अवार्ड्स जो हैं ऑर्गेनाइज हुए हैं. ओटीटी आज के दिन में इंडस्ट्री के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, सीरीज मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा मीडियम है, और उसे सेलिब्रेट करना और उसमें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है. उफ़, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ फिलहाल. दिल्ली क्राइम 2 का जो सीज़न आया है वो देख रहा हूँ. बाकी एक इंग्लिश शो है द ऑफर नाम का, वूट पर वो देख रहा हूँ. और हॉटस्टार पर द बेयर नाम का एक सीरीज़ है वो देख रहा हूँ. एंड ऑफकोर्स ब्रह्मास्त्र देखने का प्लान है. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. आएगा और सीजन 4, 5, 6 वी होप. जैसे आपने 2 में प्यार दिया, आप एक्साइटमेंट बनाते रहिए. एक्साइटमेंट हम आप प्यार देना, हम और बनाएंगे. बनाते हैं. आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं आप बताइए. सुष्मिता सेन है, हम रहे ना रहे सुष्मिता सेन तो है. आर्या तो सुष्मिता सेन ही है. नो एग्जैक्टली. जी मुझे फैमिली मैन बहुत अच्छा लगा, और दिल्ली क्राइम्स अच्छा लगा. मैंने रिसेंटली घर वापसी देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत पसंद है मिर्ज़ापुर, उसके काफ़ी सीजन आ चुके हैं. मिर्ज़ापुर भी बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. Hi, I'm Mitabri Chakraborty. I am extremely excited. I am one of those people who has used social media and the power of the digital to come in front of my audience, and I never thought that this day would come this soon where digital will be so big that there's going to be an award function for that, and it's going to be all over the country. It's so special that this is no less or no big than any other film award we attend, and I'm so excited to be here, so excited to see that a whole new world has opened for all of us. I know a lot of you are not very happy with the second season, but I'm still in love with Sacred Games. I don't think anything has beat Sacred Games so far. Oh, my outfit. Yes, yes. So my outfit is designed by Bobo Calcutta. He's again another designer who has been taking Calcutta to the whole world. Mrs. Aishwarya Rai Bachchan wore him to Cannes, and he is spectacular, like you can see for yourself. Well, my next film is called Fata Fati, where I play Miss Fata Fati. It's about a journey of a plus size model and basically bringing body positivity to people. Thank you so much. Thank you. This way.
बहुत बढ़िया, मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। हाँ, बस थोड़े समय पहले आया, सिया के प्रमोशन में लगे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई, खूब सारे इंटरव्यूज हुए, लोगों का फीडबैक मिला, बहुत ही बढ़िया। शो तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, रंगबाज ने जो मुझे जानकारी दी गई है, इस ऑफिशियली नंबर वन शो ऑन Z5 एंड आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुश हूँ और लोगों का प्यार मिल रहा है। हाँ, OTT बहुत डेमोक्रेटिक है, बिकॉज जो भी काम रिलीज़ होता है वो इक्वली उतने ही दर्शकों तक पहुँचता है, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है OTT पे, अलग अलग तरह का काम करने का मौका मिल रहा है। सारे मेरे जितने भी दोस्त हैं, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सब बिजी हैं, तो OTT ने कुछ अलग तरह से चीज़ें बदली हैं और मुझे लगता है ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी रंगबाज में ही लगा था और रंगबाज के प्रमोशन में लगा था, मुझे मेरे दोस्त का शो देखना है, गुलशन का दुरंगा, तो वक्त मिलेगा तो उसे देखूंगा, लेकिन उसके पहले सिया रिलीज़ है 16 की, 16 सितंबर, तो उसके प्रमोशन में भाग दौड़ रहा हूँ, उसमें लगे हैं। थैंक यू। Very good. How are you? पहली बार आ रही हूँ मैं. I'm looking forward to tonight. I'm assuming it's going to be an entertaining night. मुझे किया है मैंने OTT. Of course. And I think OTT पे बहुत interesting content अभी आ रहा है, and I'd love to do OTT series, films. I'm completely open to it. In fact, offers आ रहे हैं, waiting to kind of find the right one. One minute, I forgot the name of. फिलहाल तो आई एम अडिक्टेड टू कोरियन शोज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो नई नई लाइक मसाबा शो, मसाबा सीरीज, देर आर सेवरल दैट कीप कमिंग, तो मैं इन बिटवीन देखती रहती हूँ. या डन, थैंक यू सर. खुशी का ये है हमारे लिए, और फिल्म ने सारे वर्ल्ड वाइड दर्शकों को एंटरटेन किया है, तो बहुत बहुत खुशी का मौका है, और सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले शेरशाह को, जो सारी टीम ने बहुत ही मेहनत की थी. ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल पिक्चर थी, और हमको बेहद खुशी है कि दर्शकों ने इसे सवारा है और वो प्यार दिया हुआ है. थैंक यू.
are you? We're very, very pleased. It's a Vikram Batra story of valor and patriotism is one in a million. Or hum bahut khush hai ke we had the opportunity of bringing this story to the public and putting out his film. Thank you. अच्छा ओके नेटफ्लिक्स को, सिद्धार्थ रॉय कपूर सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, रोहन सिप्पी को, कि उनमें मुझे ये फेथ था और आई कुड प्रोबेबली प्रूव विद दिस अवार्ड दैट देयर फेथ हैज़ बीन जस्टिफाइड. आई थिंक अरानिया 2 और KGF 3 कि बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे, दैट आई कैन अश्योर यू ऑल. थैंक यू.